गिर गया फिर से, अरे गिर गया। हाँ ये देखो पूरा ट्रक टो करना पड़ गया। हाँ चलो उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा। सही सही है, एक एक गाड़ी को धक्का देके निकलवा देता है। सब गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी आज है हम लोगों का डे सिक्स ऑफ अवर राइड, एंड डे सिक्स तो सेवन्थ है, चिल वाइब्स में भूल जा रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसा सीन है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तवांग के लिए। पहले डिसाइड हुआ था कि हम लोग बेसिकली यहाँ से जो 4x4 कर लेंगे, देन उसके बाद में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है। बट एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से बाइक लेके। बाइक वाइक अपना कोल्ड स्टार्ट पर लगा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन है यहाँ पे, एंड हम लोग यहाँ पे ना, ये आवू रिजॉर्ट है, AWOO आवू रिजॉर्ट। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा, मतलब यहाँ पे पूरा इनका प्रॉपर्टी है। तो अभी सनराइज़ हो चुका है, एंड हम लोग कुछ प्लान ऐसा है कि यहाँ से हम लोग जब निकलेंगे सेला पास के लिए, तो कुछ डिस्टेंस रहेगा अराउंड 35 किलोमीटर्स, बाद में हम लोगों का जो स्नोफॉल वाला एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पे जो भी विंटर एक्सेसरीज था, देखो मैंने ये पहन लिया, एक तो लाइनर, एक उसके ऊपर जैकेट, एक अंदर टी शर्ट है, इनफ है। एक फुल वाला टी शर्ट रख लिया है, एक फुल वाला शर्ट रख लिया है, और नीचे राइडिंग पैंट, जो नीचे राइडिंग पैंट है, राइडिंग पैंट के अंदर जीन्स पैंट पहन लिया है। तो इसी तरीके से सारे चीज़ें सेट है। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, ब्रेकफास्ट हमने कराया नहीं था, सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, बट लोकलाइज्स ने क्या सजेस्ट किया ना कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम बाद निकलो, ताकि जब आर्मी वाले ट्रक्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं आगे, तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा पाथ बन जाता है। तो बाकी आप लोगों को ना रूम का स्टे भी दिखा देते हैं, हम लोगों का रूम स्टे कैसा था। तो काफ़ी कंफर्टेबल है वैसे। अभी ये पूरा यहाँ पे बेडरूम, हम लोगों का जो मेन रूम हो गया, वॉशरूम हो गया, एंड यहाँ पे हीटर वीटर भी दिया हुआ था। ये है हम लोगों का बालकनी। तो बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो उधर नीचे रिवर है, यहाँ पर पूरा पहाड़ी मस्त वाला, एंड ये पाइन ट्रीज हैं यहाँ पे बेसिकली। अभी धीरे धीरे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है अपना अभी सेला पास में जाके, क्योंकि स्नोफॉल तो काफ़ी हुआ है, काफ़ी लोगों से सुन लिया स्नोफॉल वहाँ पे हैवी हुआ है। बट कल वाले ब्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के स्टाइल में हम लोगों ने जो वेलकम किया है, मज़ा आ गया यार। मतलब लिटरली इतने फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे, मतलब जैसे हम लोग जाएंगे सेला पास, एंड सेला पास क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे तवांग। तो अभी तो प्लान कुछ ऐसा ही है कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं, बट एनी वेज अगर ज़्यादा स्नो हुआ तो हो सकता है वापस आना पड़ेगा, देन हम लोग फिर यहाँ से जो 4x4 है वो बुक करके देन हम लोग आगे निकल जाएंगे, एंड तवांग में जो भी प्लेसेस रहेगा वो एक्सप्लोर करेंगे। वाला सीन हो गया अपने साथ में, हम लोगों के वो एक्चुअली ना रूम रिटेन नहीं हो पाया, क्योंकि ये न्यू ईयर है यहाँ का, तो उसकी वजह से सारे होटल रूम बुकड हैं। तो अभी देखो दोबारा से रीपैकिंग करके सब पहुँचे हैं अभी यहाँ पर आके, टाइम हो चुका है 9:30-10 बज रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, ये दिरांग का, एक्चुअली दिरांग से थोड़ा सा पहले रुके हुए थे, ये वेलकम का अभी बोर्ड पड़ा है, एंड देयर इज़ अ मोनेस्ट्री ऊपर जाके, बहुत सही है यार। न्यू ईयर का फेस्टिवल है यहाँ पे, तो उसी वजह से यहाँ पे जो भी होटल्स हैं सारे बुकड हैं, और रूम्स जो हैं वो अवेलेबल उतने नहीं हैं, और कुछ कुछ होम स्टेज हैं तो वो थोड़ा सा कीज़ नहीं दे सकते हैं, तो बेसिकली वो हम लोगों ने वो चीज़ नहीं करी, फिर हम लोग लगेज कैरी कर रहे हैं। देखो यहाँ से वाटरफॉल है, मस्त यार, कितना बढ़िया लग रहा है, अलग अलग जगह की वादियाँ घूमने में मज़ा अलग है। स्नोफॉल काफ़ी हैवी हुआ है ऊपर, तो उसकी वजह से अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि एक दिन आना और एक दिन जाना कर दिया, मतलब वन वे कर दिया बेसिकली एक दिन में। तो कल था उधर आने का, मतलब दिरांग दवांग से दिरांग आने का, आज है दिरांग से तवांग जाने का। तो हम लोग भी इसी हिसाब से प्लान किए हैं कि कितना दिन का स्टे रहेगा वहाँ पे, एंड ट्राई कर रहे हैं जितना ज़्यादा जगह हो सकेगा उतना कवर करेंगे।
उधर वाली पहाड़ी में कितना स्नोफॉल हुआ है, मतलब यहाँ से ही दिख रहा है। ओह माय गॉड, मज़ा आएगा यार। मतलब आज इतना स्नो में मैं एक्चुअली, मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा चलाने का। देखेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। सेला पास रह गया यहाँ से जस्ट 30 किलोमीटर्स दूर और हम लोग पहुँच जाएंगे टॉप पे। मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे गाय कितना फरी फरी है ना, बढ़िया है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा स्नो वाला शुरू हो गया है, अब देख के चलाना पड़ेगा क्योंकि जो बर्फ़ है ना, अगर वो ब्लैक आइस हो जाती है ना तो फिर उसमें चलाने में बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए जितना स्लो राइड करोगे उतना बेटर है। अभी थोड़ा सा यहाँ से सेला पास दिखा रहा है 15 किलोमीटर्स का। हो बर्फ आ गई भाई लोग, बर्फ, क्या बात है ये। मतलब ये बर्फ तो वैसे थोड़ी देर, थोड़े दिनों पहले गिरी होगी, बट लुक एट दैट यार, मतलब कितना हाइट पे हम लोग। वाह, मज़ा आ गया। अभी रोड आ गई है बीच में, थोड़ा सा स्लश चल रहा था। अभी देखो मैंने सीन क्या किया है, अभी मेरे पास में तो इनलाइन फोर वाला इंजन है, तो इंजन पे ग्लव्स लगा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए गर्म हो जा रहा है, हाथ में गर्मी मिल जा रही है। मस्त वाला बर्फ शुरू हो गया भाई, अभी धीरे चलाना पड़ेगा। अभी यहाँ से 10-15 किलोमीटर्स और आगे जाना है तो सेला टॉप आ जाएगा अपना। एंड देखो यार क्या स्नो गिरा हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम पहले का गिरा हुआ है वैसे ही, तो क्योंकि हार्ड हो गया है। ये वाला स्नो बिल्कुल अभी फ्रेश लग रहा है क्योंकि पूरा वाइट है। ये सही, आ जाए आ जाए, एक दो गोले बना के फेंकते हैं। आंदो आंदो आंदो, पीछे वालों को आंदो, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, चलो चलो, गोला बनाएंगे बर्फ का, जैक डेनियल्स डालेंगे इसमें। ये देखो भाई साहब, पूरा बर्फ हो रखा है यहाँ पे, लवली, क्या नज़ारे हैं भाई साहब। बर्फबारी, पूरा रोड वैसा हो गया स्लिपरी। मजा आ गया भाई साहब, क्या बर्फ हो रखा है। रिलैक्स करके एकदम एकदम स्पीड में दौड़ा 60 की। फुद्दू गोप्रो है, बहुत सॉलिड बर्फ बर्फ गिरी हुई है। कितना टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे? अरे यार नीचे नीचे लगाते हुए गिर गया, शिट। फाइनली गाइस, मतलब सो फाइनली हम लोग देखो कितने स्नो वाले एरिया में, एंड गोप्रो का एक्चुअली बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जा रहा है तो, बट अभी यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही गिरते गिरते बचे, बट मज़ा आ गया यार। एक थोड़ा सा स्टोरी ले लेते हैं फोन से। हाँ अब गिर गए ना, एक बार मैं भी गिर गया, मैं उतरते उतर के तो गिर गया, बहुत गिरे हुए। हैवी ड्राइवर नहीं शेट, टायर फंस गया। हाँ ये देखो पूरा ट्रक टो करना पड़ गया। हाँ चलो उठ जाएगा उठ जाएगा उठ जाएगा, सही सही है। एक एक गाड़ी को धक्का देके निकलवा देता है। हाँ हाँ सब गिरते पड़ते आएंगे, एक्चुअली इधर से साइड में करना मुश्किल है, इधर पे तो बहुत ज़्यादा उसका वो स्मेल आ रहा है। हाँ क्या सा ये, नहीं नहीं उसको उसको मत निकालो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, गिरा दो गिरा दो गिरा दो, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 कोई चक्कर नहीं है, उठा देंगे उठा देंगे। हाँ नहीं लगेगा नहीं लगेगा। चलो सर बढ़िया, जय हिंद।
चलो निकल जाएगा, निकल जाएगा सही से, आराम से निकल जाएगा। बढ़िया, देखो टायर टायर इसको भी टो करना पड़ गया। निकल जाए, हाँ थोड़ा पीछे वाला, पीछे वाला थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा टिल्ट कर दो। चलो हो गया। चलो 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 यार, मेरी थोड़ी सी बाइक थोड़ा सा धक्का मारो, फंस गई है बाइक, थोड़ी सी धक्का मारो फंस गई है। ये लो अलग एक्सपीरियंस हो गया, अब इसको लिफ्ट करना रहेगा। उठ जाएगा, हाँ हाँ ऐसे गिरा दिया। गिर गया फिर से, अरे गिर गया, फिर से गिर गई मेरी बाइक। गिर गई बाइक, मैं इधर से लेके जा रहा था, पूरा घूम गया मेरा बाइक बर्फ पे। शेट, अभी इसको कैसे घुमाएंगे, ट्राई कर रहा हूँ खुद से घूम जाए तो। हाँ, सो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड सेला पास। काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद में, मतलब एक बाइक को पास कराने में ना सबकी जान लग गई। सो इसका है 13,700 फीट हाइट, और चाय वाय कहाँ का है भाई। ओह वेलकम टू तवांग। हाँ शिट, मर गया यार। सो गाइस फाइनली 15-20 बार ही बाइक गिरने के बाद में हम लोग पहुँच चुके हैं सेला पास, एंड बहुत ही बड़े वाला अचीवमेंट लग रहा है। मतलब स्नो में मैंने कभी राइड नहीं किया था, एंड ट्रस्ट मी यार, मतलब फट गई थी बाइक को उठाने में। तो दिस इज सेला पास, यहाँ पे वेलकम टू तवांग लिखा हुआ है, और सेला पास का जो हाइट है दैट इज़ 13,700 फीट। तो ज़्यादा नहीं है, ऐसे कुछ AMS टाइप से नहीं लग रहा है जो माउंटेन सिकनेस हो जाता है। बट एनीवेज देखते हैं इधर कैफेटेरिया में क्या अवेलेबल है। सो गाइज देखो, स्नो गिरने लग गया अभी, एंड सही बोल रहे थे कि थोड़ा सा 12 बजे के बाद ना वेदर है जो अचानक से चेंज हो जाता है। तो अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, एंड जो नीचे वाला एरिया है, ओ माय गॉड, ग्लव्स भी ठंडा है यार। और यहाँ पे पार्टी चल रही है। चलो भाई यहाँ से, बहुत बर्फ है। ओहो आज तो अलग लेवल वाला एक्सपीरियंस हो गया। हाँ लुक एट द स्नो यार, मतलब पूरा बर्फ से कवर्ड है। ठंडी आ रहे हो, पूरा बर्फ से ढक चुका है। इधर ड्रोन शॉट लेना है क्या, सीन गड़बड़। चलो कोई बात नहीं भाई, पाइन वाला स्नो से कवर्ड पाइन फॉरेस्ट, वाव। अरे यार ये सोचा था हम लोग पल्स खाएंगे, ये क्या प्लस मिल गया हम लोगों को, ये कट गया यार हम लोगों का ऐसे बर्फीली जगह आके। ऐसे प्लस मिल गया, एक जगह डेली मिल्क मिल गया था, और एक जगह एक चीज़ और, एक कोई सी ब्रांड मिली थी नकली। सो गाइस यहाँ पे पड़ता है पुलिस चेक पोस्ट, जहाँ पे आप लोगों को बाइक का एंट्री करा के जाना पड़ता है। दिस इज़ बेसिकली वाइल गोइंग टू तवांग। हाँ चलो, एंट्री वेंट्री हो गया है, कोई एक जाना ही सबका एंट्री करा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। प्लेस हो गए यहाँ पे इधर वाले। हैप्पी लो सर। चलो चलो चलो, हाई फाई, हैप्पी लो सर। चलो हाँ, क्या ये बैग है, सामान है, हाँ क्या करूँ, क्या करना है। लो रुक जाओ यार, इनको पैसा दे देते हैं, रुको ये बेचारे, रुको अभी देते हैं। नहीं नहीं ये लो, सारे बांट लेना, ठीक है, ओके बाय बाय। चलो सही है,
हेलो हैप्पी लो सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। चलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं आज फाइनली तवांग, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गिरे पड़े बट फाइनली तवांग पहुंच ही गए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और से कमेंट ज़रूर कर देना, एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज़ नदीम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अरे कभी कभी ऐसा लग रहा था ना जबरदस्ती का गिर जा रहा हूँ। बिल्कुल फेक वाला। ओ भाई साहब मज़ा आ गया, क्या बात कर। अरे यार कैसे नहीं गिरा तुम। कैसे नहीं गिरा यार तुम।